नमस्कार। आज हम बनाएंगे चावल का पापड़। तो ये मैंने 1 केजी मैंने आटा, चावल का आटा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे जीरा। अब इसे को अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर दिए हैं। इसकी पापड़ बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। और होली आ रहा है, होली के लिए भी हमारा पापड़ बनकर तैयार हो जाएगा और अच्छा भी। अब मैं इसमें पानी ले रही हूँ। मैं बताती हूँ पानी इसमें कितना चाहिए। उसको हम चला लेते हैं। गाढ़ा घोल नहीं करना है, पतला ही रखना है। इसको पानी में हम इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा और पानी इसमें डालेंगे। ये पापड़ बिल्कुल मार्केट में जो बिकती है ना पापड़, उसकी जैसे लगेगी। बहुत अच्छा हमारा पापड़ बनकर तैयार होगा। थोड़ा इसमें और पानी हम ऐड करेंगे। 1 लीटर तक मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे, पतला घोल बनाएंगे हम इसके। अब मैंने इसमें 1 लीटर पानी रख लिया है और मैं प्लेट से इसको ढक देती हूँ, जिससे पानी हमारा गर्म हो जाएगा। तो इसके प्लेट हमें हटा के दूसरा सिंपल प्लेट लेके, दूसरा जिस इस तरीके से प्लेट लेके, इसमें हम तेल लगाएंगे हल्का सा और इस तरह से हम ढक के पापड़ बनाएंगे, जिससे इसके भाप से हमारा चावल का पापड़ बनकर तैयार होगा। मैंने प्लेट में तेल लगा लिया है और हम इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स चला लेते हैं, नहीं तो नीचे चावल बैठ जाएगा तो हमारा पापड़ अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। तो हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें पेस्ट डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से, और इसके ऊपर हम रख देंगे और हम ढक्कन लगा देते हैं। इसे ढक देंगे और इसको घड़ी में देखेंगे, 2 से 3 मिनट तक इसको हम जाएगा। कच्चा पकेगा तो देखना, अच्छे पक जाएगा तो कलर चेंज हो जाता है। अगर नहीं पकेगा निकाल देंगे तो ये धूप में सूखने के बाद चावल का पापड़ फटने लगेगा और अच्छा नहीं बनेगा। और इस पापड़ को आप लंबा समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम सारा पापड़ को हम बना लेते हैं। देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, पकना ये चावल स्टार्ट हो चुका है। अब इसको हम ढक देते हैं। ये देखिए हमारा पापड़ बनकर तैयार है। अब इस तरह हम सारे को निकाल लेंगे, तेल लगा लेंगे और हम अच्छी तरह से फिर इसको हम जितने बार हम डालेंगे उतने बार हम इसको चलाएंगे। अब हम इसको इसके ऊपर रख देते हैं, इसको हम ढक देते हैं। अब इसी तरह हम सारे को हम बना लेंगे। ये देखिए हमारा पापड़ बन गया है। अब इसमें चाकू के सहारे हम निकाल लेते हैं। ये थोड़ी ज़्यादा देर पक गई है तो कोई बात नहीं, घबराने कोई बात नहीं है। आप इस सहारे निकाल लीजिए और इसको हम धूप में डालेंगे। 1 प्लेट में हम सारे को हम रख लेते हैं इस तरीके से बना के सभी को, और हम धूप में जाके इसको रखेंगे और बार बार इसको हम पलटेंगे। तो इसी तरह पहले हम सारे को बना लेते हैं। पापड़ मैंने बना लिया है, अब इसको हम धूप में ले जाते हैं सुखाने के लिए। और धूप में इसको हम पलट पलट के सुखाएंगे जिससे अच्छा से ये सूख जाए। देखिए मैंने धूप में इस तरीके से सभी को मैंने फैला लिया है। इसको हम पलट पलट के हम सुखा लेंगे। ये देखिए हमारा पापड़ बनकर बिल्कुल, चावल का पापड़ बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हम तेल में फ्राई करके खाएंगे। तो आप इसी तरह
बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।